कल दिनांक 13/5/23 की रात्रि करीब 8:30 बजे हम सब लोग खाना खाकर सो गए थे। मैं अपनी पत्नी व बच्चों के साथ नीचे के कमरे में सो गया था। मेरी माँ गीता बाई ऊपर छत पर अकेली सो गई थी। आज सुबह करीब 7 बजे मेरी माँ नहीं जागी तो मैं अपनी माँ को जगाने के लिए छत पर गया। रजाई हटाकर देखा तो मेरी माँ हिलडुल नहीं रही थी। आवाज देने पर कुछ नहीं बोली। मेरी माँ गीता बाई मरी हुई थी, पड़ी थी। उसके गले में काले काले चोट के निशान थे। फिर मैंने अपनी पत्नी अनीता बाई को बुलाया व अन्य गाँव वालों को सूचना दिया। कल रात्रि में करीब 1 बजे जब मैं पेशाब करने के लिए कमरे में से बाहर निकला तो घर के बाहर बाजू के नाले में मिस्टर उर्फ मिसलाल प्रेजेंट एप्लीकेंट वालों मिसलाल कुशवा को लाइट के उजाले में गांव की तरफ जाते हुए देखा था। मेरी माँ एक माह पहले तक आफ्ताब के खेत पर रहकर चौकीदारी करती थी। वहीं पर मिस्टर उर्फ मिसलाल भी आफ्ताब का ट्रैक्टर चलाता था और वहीं पर रहता था। मेरी माँ मिस्टर उर्फ मिसलाल एक कमरे में एक साथ ही रहते थे। मैं कल शाम को ही मेरी माँ ने अपना सामान वहां से लेकर आई थी। मिस्टर उर्फ मिसलीलाल ने मेरी माँ से झगड़ा किया था। मुझे शंका है कि मेरी माँ को मिस्टर उर्फ मिसलीलाल ने ही गला दबा कर हत्या की है। मलोट शंका के आधार पर मलोट इसमें जो है सिर्फ ऑन द सस्पेक्शन ऑफ बेस पे मुझे अक्यूज्ड बनाया गया मलोट, और इसमें कोई भी जो है आई विटनेस नहीं है, कोई भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एविडेंस मलोट मेरे खिलाफ नहीं है। मलोट चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड हो गई मलोट, और 14/5/23 से मलोट में कस्टडी में हूं। नाले में देखे जाने के अलावा और क्या एविडेंस? लॉर्ड से बिल्कुल भागते हुए देखा है, और सभी स्टेटमेंट जिन लोगों की विटनेस हुए इन दोनों की लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई होने के बाद दोनों का मृतका का और इसने बताया है, तो वहीं पर मिस्टर और मिश्री लाल भी तो आफ्ताब का ट्रैक्ट यहाँ से आए थे। मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ। ओमराव सिंह कुशवा की माँ गीता बाई कुशवा एक माह पहले तक आफ्ताब के खेत पर रहकर चौकीदारी करती थी, वहीं पर रहती थी। वहीं पर मिस्टर उर्फ मिसलीलाल भी आफ्ताब का ट्रैक्टर चलाता था और वहीं पर रहता था। उमराव सिंह की माँ गीताबाई और मिस्टर उर्फ मिसलीलाल एक कमरे में एक साथ ही रहते थे, एक साथ खाना बनता था। कल दिनांक 13/5/2023 को गीताबाई अपना सामान कपड़े और बर्तन लेने के लिए आफ्ताब के खेत पर गई थी, तो मिस्टर ने गीताबाई को सामान ले जाने से मना कर रहा था। मिस्टर ने गीताबाई से झगड़ा भी किया था। मैंने और आफ्ताब और आदिल ने समझाया, फिर सामान ले जाने दिया था। कल शाम के समय गीताबाई अपना सामान लेकर अपने घर गई थी। दिनांक 14/5/2023 को सुबह उमराव सिंह ने बताया कि उसकी माँ गीताबाई का मर्डर हो गया है। मैं उमराव सिंह के घर पहुंचा तो देखा कि गीताबाई छत पर मरी हुई पड़ी थी। पुलिस भी आ गई थी, उन्होंने गीताबाई की लाश का पंचनामा कराया। गीताबाई ने आफ्ताब के खेत से अपना सामान लेकर आ गई थी, इसी कारण मिस्टर और मिश्री लाल ने गीताबाई को गला दबाकर मार डाला है। ऐसा इनमें आफ्ताब का स्टेटमेंट थे लॉर्ड चीफ, वो जो फरियादी है जो रिपोर्ट कर रहा है, इनसे शर्ट हाफ शर्ट भी जब्त हुई है और शर्ट पर लगे हुए बाल भी जब्त हुए हैं। डीएनए के लिए गए हैं। 13/5/2023 तक वो हमारे साथ रहती थी, तो जो बाल मिलने की या एक ही कमरे में रहती थी। दूसरा ये जो रक्त रंजित शर्ट ये भी बता रहे हैं मलोट, इवन आप ये देखें कि जो डिसीट है उसके जहाँ वो कपड़े सो रही थी ना वो कोई जब्ती हुई है, ना ही उसके कपड़े जब्त किए हैं, ना कुछ ऐसा ब्लड वहाँ पर जो ब्लड पाया गया हो, क्योंकि मेरे कपड़ों पर ब्लड अगर मिला है तो जाहिर सी बात है मालूम उन कपड़ों पे भी ब्लड के सैंपल हो, कुछ भी कलेक्ट नहीं किया गया है प्रोसिक्यूशन द्वारा। मालूम इवन मालूम जो इंसिडेंट प्लेस देखे, इंसिडेंट प्लेस जो है फरियादी का घर है वो भी छत है, नीचे ये लोग सो रहे हैं और ऊपर जो है इंसिडेंट कमिटेड कर देता हूं और उसके बाद में किसी को पता भी नहीं चलता। और मालूम अचानक ये जो कहते हैं कि 1 बजे मुझे देखा गया, इसके अलावा कोई भी मालूम मेरे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इनकी तरफ से प्रोसिक्यूशन कनेक्ट किया हुआ मालूम मुझसे। उस 7-8 महीने की मालूम कस्टडी को मैंने पहले तो अपने घर आ गई थी, उस दिन केवल कपड़े लेने गए। 13 13/5/2023 को वो कपड़े लेकर आए, और उसके बाद मालूम एक्चुअल में इंसिडेंट ये हुआ कि ये जबरदस्ती वहां से लेके आया उसको, और ये जो इंसिडेंट कमिट हुआ बस मालूम मेरे ऊपर आरोप इसलिए लगाया कि वो मेरे साथ रहती थी उस समय तक, और कुछ भी नहीं मालूम इसके खिलाफ। रिपोर्ट के लिए वेट करेंगे।